दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज बात करेंगे सरकार की नज़र में विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीर की। दोस्तों भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राष्ट्र बन चुका है, जैसा कि आपको अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो ही गई होगी। दोस्तों जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आज़ादी के बाद से भारत की आबादी में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला, इसकी बदौलत भारत सबसे आगे निकल गया। इस बढ़ती आबादी को लेकर पिछले कुछ दशकों में चिंता तो जताई गई, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए गए। दोस्तों अब जनसंख्या के मामले में हम विश्वगुरु तो बन चुके हैं। हम दो हमारे दो वाले संदेश के साथ भारत अब 142.86 करोड़ जनसांख्यिकी आंकड़ों के साथ सबसे आगे है। ऐसे में सरकार के कई नुमाइंदों के बयान भी आते रहते हैं, जिनमें जनसंख्या बढ़ाने की बात ही होती है और उनके भाषणों में सिर्फ एक बार को टारगेट किया जाता है। दोस्तों वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 24 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। इसमें दोस्तों कई बेरोजगार हैं। हम शायद यह भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी के मामले में भी हम विश्व गुरु हैं। आप सभी दोस्तों अक्सर पढ़ते रहते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम बेरोजगारी की समस्या, गरीबी, संसाधनों पर दबाव, पर्यावरणीय समस्याएं, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और दुरुपयोग, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि, संक्रामक रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है और अक्सर भारत इन मामलों में भी प्रथम रहता है और यह बात राजनेता अपने मुद्दों में कभी शामिल नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि चीन की आबादी कुल 142.57 करोड़ है। यानी चीन के मुकाबले में भारत अब करीब 30 लाख जनसंख्या के मामले में अधिक है। अब आबादी के मामले में भारत नंबर 1 पायदान पर पहुंचने की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भी छेड़ने लगे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा एक बड़ा बन सकता है। भले ही भारत पहली बार जनसंख्या के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका हो, लेकिन आबादी को नियंत्रण करने की मांग नई नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पिछले कई दशकों से बहस चल रही है। स्वतंत्र भारत में दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान वर्ष 1951 में प्रारंभ किया गया था, किंतु इसे सफलता नहीं मिल सकी। साल 1970 के दशक से हम दो हमारे दो का नारा सुनते आए हैं। हालांकि कभी भी किसी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान नसबंदी का अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भारत के अलग अलग शहरों और गांव में जबरन लोगों को पकड़कर नसबंदी की गई। एक साल में ही लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के इस तरीके का खूब विरोध हुआ था, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को अगले साल लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही किसी भी सरकार ने ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं की। हम यह कह सकते हैं कि बिल्कुल सोचा भी नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण की जाए। मोदी सरकार ने भी असल में जनसंख्या कानून को लेकर साफ रूख कभी नहीं दिखाया। इसे लेकर सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देते रहे हैं। इसी को लेकर साल 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक लाया गया था। बता दें कि आज़ादी के बाद से करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया गया, लेकिन आज तक इसे कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने या जब भी जिक्र होता है तब हिंदू मुस्लिम बहस छिड़ जाती है। कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना होता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिम विरोधी है। उनके आरोप हैं कि उस कानून को मुसलमानों को टारगेट के लिए किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय के अलावा देश में कई अल्पसंख्यक समुदाय भी रहते हैं, जिन पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का असर जाना हो सकता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है और इसमें लगातार कमी आती रहती है। इनमें पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई और ऐसे ही कुछ समाज शामिल हैं। इन सबके इतर भले ही भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, लेकिन देश में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों के लिए व्यापक और न्याय संगत सेवाएं उपलब्ध हों, फिर वे चाहे कहीं भी रहते हों या किसी भी वर्ग या समाज से हों। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लड़कियों और महिलाओं को जल्दी विवाह, गर्भधारण के लिए नहीं धकेला जाए। जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए कानूनी तरीका यह उपयुक्त कदम नहीं उठाया जा सका। भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है।
भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करने चाहिए। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिए। तब दोस्तों हम जनसंख्या नियंत्रण पर नियंत्रण कर सकते हैं। बढ़ती आबादी देश के लिए और विश्व के लिए खतरनाक है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अन्य खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।